चलिए लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। यूपी में चुनावी आपको बताते चले कि जंग जो है चुनावी वो छिड़ चुकी है। यूपी में पांचवें चरण के लिए सूची की जारी। सूची में 61 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। एक एक जिले से तीन तीन ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दी गई है। प्रतापगढ़ अमेठी में तीन तीन ब्राह्मण प्रत्याशी, वहीं प्रयागराज में बीएसपी ने 5 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। तो अब दलितों से हटकर इस बार बीएसपी अपना हाथ ब्राह्मणों पर आजमा रही है। आपको बताते चले कि इस बार बीएसपी ने कई ब्राह्मणों को टिकट दिया है और बीजेपी ने कई अपने जो विधायक रहे हैं उनके टिकट काट दिए हैं और नए चेहरों को इस बार बीजेपी की ओर से मौका दिया गया है। हालांकि अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ की जो सीटें हैं वो अभी भी खाली हैं। वहां पर अभी किसी को नियुक्त नहीं किया गया है, किसी को अभी पद नहीं दिया गया है बीजेपी की ओर से। लखनऊ की जो विधानसभा सीटें हैं उस पर संशय अभी भी बरकरार है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तीन तीन ब्राह्मण प्रत्याशी प्रयागराज से उतारे गए हैं, वही बीएसपी ने प्रयागराज में 5 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। प्रतापगढ़ अमेठी में तीन तीन ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे गए, तो वहीं प्रयागराज में बीएसपी ने 5 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर की तो आपको बताते चले कि पूर्वी उत्तर जातिगत समीकरण के लिए काफी ज्यादा माना जाता है और ऐसे में जातिगत राजनीति जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा देखने को मिलती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बीजेपी लखनऊ में विधानसभा सीटों से किसको उतारती है। ये संशय अभी भी बरकरार है। हालांकि बीएसपी ने अपनी जो सूची है उम्मीदवारों की वो साझा करती है। यूपी में पांचवें चरण के लिए सूची जारी की है बीएसपी ने। सूची में 61 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। एक एक जिले से तीन तीन ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। प्रतापगढ़ में 3, अमेठी में 3, वहीं प्रयागराज में 5 ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिया गया है।